7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश की सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं। आर्थिक और सामाजिक विकास में सैनिकों का योगदान अहम। देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को सुख शांति समृद्धि व धन धान्य से परिपूर्ण होने की कामना के साथ दी बधाई। प्रदेश सरकार ने भीषण सर्दी के कारण राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में बढ़ाया शीतकालीन अवकाश। अब 23 जनवरी को खुलेंगे स्कूल। और फरीदाबाद में रिहायशी कॉलोनी में घुसा तेंदुआ, पुलिस और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से ट्रैंक्विलाइजर देकर पिंजरे में किया कैद। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। आज 7वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में विकास इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि जब भी आवश्यकता पड़ी है, उत्तराखंड के वीरों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने अदम्य साहस तथा शौर्य का परिचय दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की भलाई तथा उनका कल्याण सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भी वे देश के वीरों के बीच पहुंचते हैं तो उनका शीश श्रद्धा से झुक जाता है। पूर्व सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा की है और इसकी एकता तथा अखंडता को बनाए रखा है। कृतज्ञता ज्ञापित करने के महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। जब मेरे यहां आने की रूपरेखा बन रही थी तो मुझसे पूछा गया कि देहरादून में वेटरन्स डे का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर काफी ठंड है, तो मैंने कहा ठंड से मुझे डराया क्यों जा रहा है। रात्रि में भी -14 देश का गृहमंत्री रहते हुए, होम मिनिस्टर रहते हुए, -14 डिग्री के टेम्परेचर में मैं रात को मैं रुक चुका हूं, तो देहरादून में आने से किस प्रकार का मुझे भय होना चाहिए, किस प्रकार का संकोच होना चाहिए। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की याद में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आज की पीढ़ी को सशक्त सेना बल के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान से परिचित कराकर प्रोत्साहित करना है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह ने देशवासियों द्वारा प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस मनाने पर बधाई देते हुए कहा कि सैनिकों का केवल एक ही दिन नहीं बल्कि हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल JS कंवर ने कहा कि सशस्त्र पूर्व सैनिक दिवस मनाकर हम सभी के द्वारा दिए गए योगदान को याद करते हैं। आर्मी दिवस के हार्दिक शुभ अवसर पर मैं देश के तमाम श्रोताओं को जो इसको सुन रहे हैं उनका अभिवादन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि आप हर साल सेना थल सेना को याद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं और मैं थल सेना की तरफ से एक वेटरन होने के नाते आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी थल सेना दूसरी सेनाओं के साथ मिलकर हमेशा तैयार है, हमेशा तत्पर है। अगर देश के ऊपर कोई भी चुनौती आएगी, चाहे वो सीमाओं पर हो, चाहे वो कोई विपदा हो, प्राकृतिक विपदा हो, सेना आपके साथ है। सेवानिवृत्त कर्नल ब्रिजमोहन सबलोक ने कहा कि भारत के जवानों व उनके परिवारों ने समय समय पर देश की रक्षा सुरक्षा में जो योगदान दिया है, ये उसी का आज नतीजा है कि भारत के नागरिक निडर शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश आज़ाद है, ये केवल सशस्त्र पूर्व सैनिकों के पराक्रम की बदौलत ही है। कि हमारी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारे देश को एक भारत, महान भारत माना जाता है। ये महान भारत को बचाता कौन रहा है? आप 1948 में देखिए कि हमारे मुल्क में कौन घुसाए थे और उनको किसने पछाड़ा था। वो हमारे देश के महान सोल्जर्स थे जिन्होंने उनको भगाया और आज ये कश्मीर, जहां हम सब जाकर मज़े लेते हैं, हमारे पास है।
वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ में आज सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस रैली आयोजित की गई। चंडीगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य तीनों सेवाओं के पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के बीच पेंशन और कल्याण तथा विभिन्न मुद्दों से संबंधित संतोष को बढ़ाना है। रैली का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद सभी प्रतिनिधियों ने पूर्व सैनिकों के साथ पेंशन और कल्याण संबंधी पहलुओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मकर संक्रांति के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वे सभी के जीवन में बेहतर स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को मकर संक्रांति के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सबके सुख, शांति, समृद्धि व धन धान्य से परिपूर्ण होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये त्यौहार हमारी समग्र सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है और देश के सांप्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक ताने बाने को सुदृढ़ करते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रकृति के पूजन से जुड़ा ये उत्सव हर किसी के जीवन में आरोग्य और आनंद लेकर आए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मकर संक्रांति पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पर्व पर श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर पर अर्चन किया और सूर्य देव को अर्घ्य देकर मंगल कामना की। पुरोहित ने बताया कि सूर्य देव आज दक्षिणायन से उत्तरायण हो गए और सूर्य ने आज मकर राशि में प्रवेश किया है। सूर्य देवता के इस महापरिवर्तन के अवसर पर मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति पर्व पर पवित्र ब्रह्म सरोवर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आचमन किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किया और पूजा अनुष्ठान भी किए। आज 8:45 से सूर्य दक्षिण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने से मकर संक्रांति कहलाती है और आज ही के दिन भीष्म पितामह जी ने सरसैया पे जो अपने दक्षिण से उत्तरायण की प्रतीक्षा में पड़े थे, अपने प्राण त्यागे थे, मकर संक्रांति का वो दिन था। लेकिन आज भी मकर संक्रांति बना रहे हैं लोग, कल भी बना रहे हैं, लेकिन मेन जो है कल है मकर संक्रांति का मेन स्नान महोत्सव। लेकिन लोग आज भी स्नान के लिए आए हुए हैं, दान पुण्य करने के लिए आए हुए हैं। बाकी कल भी काफ़ी लोग आएंगे, स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे। तो दान पुण्य करने का बड़ा भारी महत्व है। लोग इस दिन खिचड़ी वगैरह दान करते हैं, रेवड़ी मूंगफली भी दान करते हैं। तो सरोवर पे नहाने का, दान पुण्य करने का बड़ा भारी महत्व है। इस अवसर पर ब्रह्म सरोवर पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर ब्रह्म सरोवर में स्नान करने, पूजा और दान करने का बहुत अधिक महत्व है। धर्म में और समाज में बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म सरोवर में स्पेशली आना और यहाँ पे दान पुण्य करना, गरीबों को, वंचित लोगों को उनकी मदद करना, इसका बहुत महत्व है। और इसलिए मैं सभी को कहूँगा कि सभी को यहाँ ब्रह्म सरोवर आना चाहिए। अगर मकर संक्रांति पर ना आ पाए तो बाद में आए, पर जरूर आए। हम लोग लुधियाना से, पंजाब से स्पेशली आज के दिन यहाँ पे पवित्र स्नान के लिए और अपने श्रद्धा की पूजा पाठ के लिए आए हैं। और यहाँ मैं पहली बार ही, मतलब हम दोनों पहली बार ही आए हैं यहाँ पे, और मुझे आकर यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी जगह, हमारी संस्कृति यहाँ पे इतनी अच्छे से है और इतनी शांति है, और ये सरोवर इतना अच्छा वेल मेंटेन किया हुआ है। इसके लिए सबको, सब बधाई के पात्र हैं। प्रदेश सरकार ने भीषण सर्दी के कारण राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 21 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। सभी विद्यालय उक्त समय अवधि के दौरान बंद रहेंगे। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 23 जनवरी से विद्यालय पुनः की भांति खोले जाएंगे। निदेशालय प्रवक्ता के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं पहले की भांति जारी रहेंगी। आदेशों के अनुसार अतिरिक्त कक्षा लेने वाले शिक्षकों को बदले में नियमानुसार अर्जित अवकाश मिलेगा। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में आज सुबह एक प्लॉट के शेड में तेंदुए को देखे जाने के बाद पुलिस ने वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। थोड़ी देर बाद तेंदुआ वहां से जमा भीड़ में से निकलता हुआ एक अन्य घर में जा घुसा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू किया और फिर बेहोश होने के बाद तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजीव कॉलोनी में जगबीर सिंह ने अपने खाली प्लॉट में सुबह तेंदुआ देखा तो उसने तुरंत शटर बंद कर दिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस और वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को काबू करने की कोशिश की, लेकिन तेंदुआ वहां से भाग निकला और दूसरे घरों में जा घुसा। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया है।
देखो हमें तो 10:15 बजे सूचना मिली, रेस्क्यू टीम आ गई थी करीब 12:30 बजे, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी लेकिन जहाँ पहले स्थान पर था वहाँ ये काबू नहीं आ पाया, क्योंकि ये बहुत फुर्तीला होता है, वहाँ से छलांग मार के कभी इधर कभी उधर बहुत जगह भागा, और उस दौरान काफ़ी भीड़ इधर उधर घरों में इकट्ठी थी, उनको भी कोई नुकसान नहीं हो पाया। ये हमारे 2-3 घंटे में ये रेस्क्यू कर लिया हो गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता की परख के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला, प्रत्यायन बोर्ड और क्वालिटी मार्किंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों एवं व्यवसायों की जानकारी दी जाए ताकि वे अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करके लाभान्वित हो सके। उन्होंने MSME की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं के तहत स्थापित किए जा रहे छोटे उद्योगों की नियमानुसार पूरी मदद करें ताकि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी एयर स्ट्रिप्स पर फॉर्म टेंडर फायर फाइटिंग व्हीकल्स का प्रबंध किया जाए ताकि एरोप्लेन आदि की लैंडिंग के दौरान आग की कोई संभावित दुर्घटना ना हो। उन्होंने प्रदेश में विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का ट्रेनिंग सेंटर खोलने और नया डिप्लोमा शुरू करने की संभावनाओं को तलाशने के भी निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, पानीपत आदि बड़े शहरों में 14 मंजिल से लेकर 80 मंजिल तक की बहुमंजिला इमारतों में होने वाली आगजनी की घटनाओं पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए हाइड्रोलिक फायर टेंडर व्हीकल्स को खरीदने के भी निर्देश दिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंधित कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को अनुकंपा आधार पर रखने के मामले मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सीधे निगम को भेजे जाएंगे। इसके लिए मानव संसाधन विभाग की सहमति या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि विभिन्न विभागों की ओर से मानव संसाधन विभाग को कई ऐसे मामले मिल रहे थे। ऐसे मामलों पर सरकार ने विचार कर उपरोक्त निर्णय लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि सिरसा जिले के नाथूसुरी चौपटा क्षेत्र में सेम की समस्या से निजात दिलवाने के लिए सेमग्रस्त भूमि सुधार प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में अब तक 25,000 एकड़ भूमि पर कार्य किया जा चुका है। कृषि मंत्री ने कल नाथूसुरी चौपटा में प्रोजेक्ट के तहत लगाए प्लांट का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फसल बीमा योजना में बागवानी की फसलें भी शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसान हित में योजनाएं चलाई जा रही हैं। पिछले एक साल में हमने 25,000 एकड़ के अंदर ये नई स्कीम लेके आए जिससे सरकारी सोलर लाइट के साथ ट्यूबवेल लगा करके उनके पानी की कहीं ड्रेन में डाल करके ज़मीन का पानी समाप्त किया, नीचे लेके वाटर लेवल को, और उससे किसानों को जो कई कई सालों तक खेती नहीं कर पाते थे, इस बार लगभग 20-25,000 एकड़ ज़मीन में हमने किसान की फसल की बिजाई करवाई है। अगले साल का टारगेट हमारा ये है 50,000 एकड़ और ठीक करेंगे, और ऐसी ज़मीन हरियाणा में 7-8 लाख एकड़ है, उस सारी ज़मीन को ठीक करवा के, और जो किसान जमींदार होते हुए मालिक होते हुए भी गरीब हो गए थे उनको मौका देंगे कि आप दोबारा से उनको अपनी खेती कर सके और अपनी आमदनी बढ़ा सके। नहरी विभाग से परियोजना अधिकारी ने बताया कि चौपटा क्षेत्र के सेमग्रस्त 17 गांव में सुधारीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में 5 गांव में प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। किसानों ने बताया कि लगभग 800 से 1,000 एकड़ के बीच ये बोरवेल लगाए गए हैं जिससे ग्रामीणों को काफ़ी लाभ मिलेगा। ये 17 गांव है, इनमें काफ़ी पुरानी समस्या है, तो इस नाथसुरी कला में जी लगभग 2,500-3,000 एकड़ में ये समस्या है जिसमें हमने 25 वर्टिकल ड्रेनेज यानी शेलो ट्यूबवेल लगाए हैं, लगा के और इसका ड्रेन आउट किया है। इस एरिया में 20,000 एकड़ में हमने 5,500 यानी 5,500 एकड़ एरिया का इसमें सुधारीकरण कर दिया है। सेम का प्रोजेक्ट नाथसुरी चौपटा ब्लॉक में ये लगाया 4 गाँवों में। पहले फेज में 50 बोर लगे हैं जी, गुड़िया खेड़ा, निर्बाण, रूपाणा और नाथसुरी कला में।
ये सेम का इलाका है, इस इन लगभग 19 गांव पड़ते हैं सेम के चोपटा ब्लॉक में। तो 19 गांव में 22,000 एकड़ ज़मीनें जो सेम से प्रभावित है। मंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने एक स्कीम चलाई थी 1,00,000 एकड़ भूमि का सुधार एक साल में हरियाणा सरकार को करना है, तो उस फेज में चोपटा ब्लॉक में जो है यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सातवें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश की सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं, आर्थिक और सामाजिक विकास में सैनिकों का योगदान अहम। देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को सुख शांति समृद्धि व धन धान्य से परिपूर्ण होने की कामना के साथ दी बधाई। प्रदेश सरकार ने भीषण सर्दी के कारण राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में बढ़ाया शीतकालीन अवकाश, अब 23 जनवरी को खुलेंगे विद्यालय। और फरीदाबाद में रिहायशी कॉलोनी में घुसा तेंदुआ, पुलिस और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से ट्रैंक्विलाइजर देकर पिंजरे में किया कैद। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।